राजनीति में आज बस इतना ही, लेकिन जाते जाते सलाम करते हैं शाहजहांपुर की शुभांगी को। शुभांगी नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। वो जल्द ही नौसेना के टोही विमान को उड़ाती नजर आएंगी। शुभांगी के पिता भी नौसेना में कमांडर हैं। नौसेना में नारी शक्ति, देखिए इस रिपोर्ट में। नौसेना में नारी शक्ति, आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ेंगी शुभांगी। देश के साथ प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगी शुभांगी। शुभांगी की उपलब्धि से घर में भी खुशी की लहर। इंडियन नेवी ने पहली बार किसी महिला की नियुक्ति पायलट पद के लिए की है। इस गौरव को हासिल करने वाली ऑफिसर का नाम है शुभांगी स्वरूप। शुभांगी जल्दी आकाश की अनंत ऊंचाइयों में एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे। शुभांगी स्वरूप मैरिटाइम रिकॉनिसेंस विमान उड़ाएंगे। शुभांगी के अलावा दिल्ली की आस्था सेगल, पुडुचेरी की रूपा ए और केरल की शक्ति माया एस को नौसेना की नेवल अमारमेंट इंस्पेक्टोरेट शाखा में देश की पहली महिला अधिकारी बनने का गौरव हासिल हुआ है। चारों महिलाओं ने कार्यक्रम में एजी माला नौसेना अकादमी में नेवल ओरिएंटेशन कोर्स पास करने के बाद पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग एंड अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्ट इन माय शोल्डर्स एंड आई वुड लिव अप टू एवरीबॉडीज एक्सपेक्टेशंस एंड मेक श्योर दैट मोर एंड मोर लेडी ऑफिसर्स कम इनटू द नेवी एज पायलट्स। शुभांगी स्वरूप यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली है और विमानों को उड़ाने की तमन्ना उन्हें बचपन से ही थी। एक छोटे से कस्बे की रहने वाली शुभांगी ने मिसाल कायम की है। बेटी की कामयाबी से उसके परिवार को ही नहीं पूरे कस्बे को गर्व है। आज हमें बड़ा हर्ष और बड़ी खुशी हो रही है कि उसने अपने मुकाम को पाया है और आज जो है वो अपनी देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार है। उसका सिलेक्शन एज फाइटर पायलट के रूप में हुआ है नेवी में। मैं तो बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि वो तो हमेशा ही अच्छा करना चाहती थी और उसका मन भी था पढ़ने में, लिखने में, स्विमिंग है, तैराकी है, ताइक्वांडो, इसमें उसका हमेशा ही रुचि रही है और उसे अच्छा लगता था कि आज उसने ये कर दिखाया है। ये बहुत गौरव की बात है, मुझे तो बहुत उस पर गर्व है। शुभांगी के पिता ज्ञान स्वरूप भारतीय नौसेना में बतौर कमांडर के पद पर देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। उनकी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बेटी शुभांगी ने नेवी में बतौर प्रथम महिला पायलट परमानेंट कमीशन के साथ सभी को गर्व का मौका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार।